नमस्कार, नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सविता मोहन हमारे साथ हैं। वो भाषाविद ही नहीं और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम उन्होंने कार्य किया है भाषा में, और उच्च शिक्षा विभाग है उसमें निदेशक रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, और उनका बहुत कार्य है भाषा में। अभी हमारी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई है 2020, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कहा जा रहा है कि जो प्री प्राइमरी या नर्सरी से लेके जो 5 वर्ष के लिए मातृभाषा में, हम कह रहे हैं कि मातृभाषा में बात हो, रीजनल लैंग्वेज में बात हो, भाषा के प्रमोशन की बात हो, और जो एक तरह की एक मानसिकता है कि अंग्रेजी के बिना शिक्षा संभव नहीं है, डॉक्टर सविता मोहन हमेशा, उन्होंने सदैव इसके लिए कहा है कि देवनागरी हिंदी की वो बहुत उन्होंने प्रबलता से इस बात को रखा है। मैं भाषा नीति के संदर्भ में और जो देवनागरी है इसके विषय में आप अपने विचार बताइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने विषय मुझे दिया है बोलने के लिए। ये जो नई भाषा नीति आई है, 34 वर्षों के बाद आई है, और इसको पढ़ के लग रहा है कि भारत की आत्मा ही इसमें समाहित है। हम बहुत दिनों से एक ऐसी भाषा नीति की कल्पना कर रहे थे और इसका की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसमें कि भारतीयता हो, जिसमें कि ये लगे कि ये हमारी आवश्यकताओं को, हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई गई है। इसमें भारत तो है ही, विश्व भी समाहित है। व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा विश्व उसके मुट्ठी में आ जाएगा। ऐसी भाषा नीति भी है कि वो बचपन से ही अपने जैसे उसका विचार है वैसा वो आगे बढ़ते रहेगा। हम लोग, मैं जब भी शिक्षक रही या फिर पहले विद्यार्थी रही, तो मैं हमेशा ये अनुभव करती रही कि हम लोग इंटर में नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, होम साइंस पढ़ रहे हैं, बीए में हिंदी ले रहे हैं, और एमए किसी और विषय में कर रहे हैं, और विषय में उसमें कर रहे हैं जो कि हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध है। मेरी रुचि किसी और विषय में, मुझे पढ़ाया कुछ और जा रहा है। और ये बात हमेशा भी मैंने अपने अपने जब भी शिक्षा निदेशक रही या जिससे भी मिली, कि इंटर के बाद ही रोक रोक ले लेनी चाहिए, और उसके बाद जिस विद्यार्थी को जिस स्ट्रीम में जाना है, जहाँ जाना है, वहाँ के लिए उसके पास चुनाव की उपलब्धता रहे कि वो कहाँ जाना चाहता है। इस भाषा नीति में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। ये भाषा नीति की मैंने कई बार प्रशंसा मुक्त कंठ से की है। वो इसलिए कि मैंने, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा नीति को पढ़ा, विवेकानंद की भाषा नीति को पढ़ा, गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है उसको बहुत गहराई से पढ़ा, और मुझे लगा कि जिसने भी ये भाषा नीति बनाई है, पहले उन्होंने इन सबको पढ़ा है, जिसमें, हाँ, सब बहुत, जिसमें जिसने इस भाषा नीति को बनाया है, जिन विद्वानों के मत इसमें आए हैं, उन्होंने पहले हमारे पहले जो राधा कृष्णन की बात, राधा कृष्णन को पढ़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो मुक्त शिक्षा को स्कूल की इमारत के अंदर नहीं, बल्कि मुक्त प्रकृति के बीच में लाने की बात, जो अपना विश्व भारती बनाया, वो बात इसमें आई है। ये, हाँ, ये सारी की सारी चीजें उसमें समाहित है। एक बात जो एक समस्या मुझे लगती है, और मैंने इसको इसको भी बिल्कुल कई मंच पर इसको उठाया है, और पहले भी उठाती रही हूँ, कि हमारे भारतवर्ष में उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं उनके लिए देवनागरी लिपि का निश्चित किया गया है। और पहली जो भाषा नीति थी उसमें लिखा गया था कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, और देवनागरी लिपि परिवार की, हिंदी परिवार की जितनी भाषाएं हैं वो सारी की सारी इसमें आ गई, यानी राजस्थानी भी आ गई, गुजराती भी आ गई, भोजपुरी भी आ गई, पहाड़ की सारी भाषाएं आ गई, कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए वो देवनागरी में लिखिए। परंतु तो दक्षिण की भाषाएं उत्तर भारत में कैसे आए, बहुत सुंदर, ये एक समस्या बनी रही। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जैसे खादी को लोगों ने अपने झंडे की तरह, परचम की तरह लहराया कि हमारे स्वाधीन भारत के लिए यदि कोई पहचान है तो वो खादी है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में गीत लिखे गए, हिंदी में नारे लिखे गए, हिंदी में जयगान हुआ, भारत माता की जय, और हमारी, हाँ, और कदम 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 बढ़ाए जा, ये सारे सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत को अपनाया बंगाली होने के बावजूद।
परंतु लिपि को लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि यदि हमें इस पूरे देश को वसुधैव कुटुंबकम बनाना है, इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना है, तो देवनागरी लिपि ही अपनानी पड़ेगी। उनकी इस बात का समर्थन गांधी जी ने किया था और गांधी जी ने कहा था कि देवनागरी लिपि में ही सारी भाषाएं लिखी जाएं, तो पढ़ने की कोई समस्या धीरे धीरे करके आज के, मुझे तो कभी कभी दुख भी होता है कि इतने सालों के बाद भी हम अपनी राष्ट्रभाषा को किसको कहें, ये निश्चित कर रहे हैं। आज के समय में हम हिंदी के को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये हमारा दुख है, दुख की का विषय है। 73 के बाद मैं ये आज ये कह रही हूँ कि हिंदी दिवस मनाने की बात कर रही हूँ। मैंने अपने कई मंचों से ये बात भी कही है कि हमें अपनी भाषा को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे अपनी भाषा को स्थापित किया जाता है, ये जापान से सीखना चाहिए। जिस समय जापान में विज्ञान आया तो वहाँ की सरकार ने अपने विद्यार्थी अमेरिका भेजे, इंग्लैंड भेजे, उन्होंने विज्ञान सीखा, अंग्रेजी में सीखा, और जब अपने देश में गए तो उन्होंने अपनी बोली में उनको वो विज्ञान सिखाया, और वहाँ अंग्रेजी नहीं है। आज हमारे देश में क्या हो गया है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो अनपढ़ कहा जाता है, जो अंग्रेजी नहीं बोलता है। ये एक जो क्या कहें कि बढ़पन की जो बात होती है वो अंग्रेजी सीखने भर से आ रही है। मैं तो पहाड़ की हूँ और पहाड़ के कारण मैं जानती हूँ कि जो मेरा ध्रुव धारचूला का विद्यार्थी है या मुंशियारी का विद्यार्थी है, उत्तरकाशी के किसी गांव का विद्यार्थी है, वो देहरादून आकर के जीवन यापन कर किसी होटल में जाने के लिए काम करने के लिए विवश है, क्योंकि उसके पास अंग्रेजी नहीं है। यदि उसको अंग्रेजी आ रही है तभी तो आगे बढ़ पा रहा है। और आपने बहुत अच्छा समाधान दिया है, हाँ, कि देवनागरी लिपि है। दक्षिण की चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, इन भाषाओं को जब हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे, मैं सविता मोहन जब उसको इसमें पढ़ूंगी तो धीरे धीरे मैं ऐसे शिक्षक को ढूंढूंगी, ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी, ऐसी महिला को ढूंढूंगी जिसको वो भाषा आती होगी और वो मुझे उसका अर्थ समझाएगी। और एक महीने में जैसे इंग्लिश रैपिडेक्स कोर्स है वैसे इसमें भाषाओं के रैपिडेक्स कोर्स बन जाएंगे। आज आप लागू करवाइए, देखिए एक महीने के अंदर आपके पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी और आप सीख जाएंगे और भाषाई समस्या खत्म हो जाएगी। हम दक्षिण के भाषाओं के विरोधी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते हैं कि वहाँ वो भाषा चले, परंतु उनकी भाषा हमारे यहाँ कैसे आए। उनका साहित्य अनुपम साहित्य है। सुवर्ण भारती की कविताएं का जो हिंदी अनुवाद हमारे पास आया है, जिसको हम गाते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो कई बार सुवर्ण भारती के गीतों को गुनगुनाते हैं, अद्भुत हैं वो कविताएं, उनके देश प्रेम की कविताएं अद्भुत हैं, परंतु जब हम उन्हीं की बोली में उसको गाएं तो क्या मजा आ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम बंगाल की जो गीतांजलि है और उनके और भी एक लाख चलो वाले उनका जो गीत है उनको जब हम गुनगुनाते हैं तो उसमें कहीं भाषाई समस्या नहीं आती है। महात्मा गांधी ने एक जगह कहा है कि गीतांजलि का हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद उतना प्रचलित या उतना विख्यात नहीं हुआ जितना कि उसके बंगला में लिखी हुई उस गीतांजलि का देवनागरी लिपि में जो अनुवाद हुआ और उसके माध्यम से लोगों ने बंगला सीखी, बंगाली बोलनी सीखी, बंगाली पढ़ना सीखी, उसका वो हुआ। गांधी जी ने तो उस समय इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया था। उन्होंने अपने गुजरात तो बहुत अच्छे संपादक और पत्रकार भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे अपने तीन पत्रों को एक साथ निकालते थे और उनमें से एक पत्र उन्होंने गुजराती का पत्र को देवनागरी लिपि में लिखाया, लिख करके प्रकाशित किया। और आपने बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारी बहुत ही सुंदर भाषाई अनेकता है, एकता का सूत्र, हाँ, अरे जो हमारे दक्षिण की में भाषाओं के जो आख्यान है, जो गीत है, जो मराठी के नाटक है, हमने तो अपने विद्यार्थी जीवन में मराठी नाटक एवं इंद्रजीत और सिंहासन खाली बहुत सारे नाटक करे, वो सब का अनुवाद किया ना। यदि हम मूल जानते होते तो बोलना तो आदमी बहुत जल्दी सीखता है, हम उसी भाषा में उसी लय में बात करते, दर्शक हजार दर्शक उसे लाभ होते तो ये समस्या कहीं नहीं होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसके लिए एक भाषाई आंदोलन की जरूरत है। जितना भी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है जो इस देश को पूरा एकता के सूत्र में बंधे हुए देखने का स्वप्न देख रहा है,
उसको ये अवश्य चाहिए कि देवनागरी लिपि का प्रचार भी उतनी तेजी से किया जाए या उससे भी तेजी से किया जाए जितना कि आज हम हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। और जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये तो अद्भुत है। और नहीं ये तो आपको खुला मंच दे दिया, आप कुछ भी सीखिए। आप गढ़वाल में रह करके मैं ऋषिकेश कॉलेज में या किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाऊं और मैं कहूं कि मेरा बच्चा जाए और मेरा बच्चा कहे कि आप मुझे एक तो गढ़वाली सिखाइए और एक मैं बंगला सीखना चाहता हूं, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास उसमें त्रिभाषा सूत्र दिया हुआ है। और ये देश देश की एकता के लिए और देश के साहित्य के लिए, संस्कृति को समझने के लिए इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा वो है यदि ये पूरी नीति इस तरह से लागू हो जाए। और इसके परिणाम आज दो चार साल में नहीं आएंगे, आज से 50 साल 20 साल बाद, 10 साल बाद जो एक भारत आज का जो बच्चा वाला भारत है, जो बच्चे हैं आज के समय में, जब 10 साल के 20 साल के हो जाएंगे तब एक अनुपम भारत उनके सामने होगा, परिलक्षित होगा, अनुपम परिलक्षित। तब ये भाषा नीति को बनते बनते और इसको इसका प्रयोग होते होते जो समय लगेगा वो मुझे लगता है 5-10 साल लगेंगे उसमें। और तब एक नई पीढ़ी जब सामने आएगी तो ये भाषा नीति की को लेकर के आज हमसे ज़्यादा वो लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे तो उनको उसका फल देखेंगे वो। नहीं, आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत नहीं मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि ये जो लिपि का प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप भी जहाँ पर भी आपको अवसर मिले देवनागरी लिपि के बारे में हमें करना। इतनी सुंदर लिपि है, दुनिया सारा विश्व जानता है कि जितने सुंदर लिपि ये देवनागरी लिपि है जो ब्राह्मी से आगे बढ़ी है, इतनी सुंदर लिपि नहीं है। उर्दू और अंग्रेजी को यदि हम मानते हैं, अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता, जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जाता। हमारे यहाँ का लिख रही हूँ मैं, का पढ़ रही हूँ मैं, जो मैं बोल रही हूँ वही मैं लिख रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ और एक और वही सोच रही हूँ। और एक ध्वनि के लिए एक ही मेरे पास चिन्ह है, ये नहीं है कि अध्वनि के लिए अ ही है, किसी और से नहीं मिला सकती हूँ। वहां तो ए भी है, ई भी है, आई भी है, कई कई तरह के प्रतीक चिन्ह क्या है हमको कोई मालूम, वो कहाँ पे किसको जोड़ दें। बच्चे को स्पेलिंग रटानी पड़ती है, हमारे यहाँ रटानी नहीं पड़ती। हमारे यहाँ बच्चा बोलता है, सोचता है और लिख देता है। आपने कभी किसी बच्चे को कलम लिखाते हुए नहीं बोला होगा कलम की स्पेलिंग याद कर, उसने मन में कलम बोला और उसने परसों से कलम लिख दिया और कल जब पढ़ा तो कलम पढ़ा, कलम का चित्र उसके दिमाग में है। हाँ, तो इसलिए अद्भुत भाषा, इतनी वैज्ञानिक भाषा है और इसीलिए इसको देव भाषा कहा जाता है, देवनागरी देव भाषा कहा जाता है कि इसकी इसका निर्माण और इसका व्युत्पत्ति जो है वो देवताओं ने करी है। इतना ही काफ़ी है आज के लिए और फिर जो भी सुन रहा है देवनागरी लिपि अपनाइए, किसी भी बोली और भाषा के, गढ़वाली भाषा के संदर्भ में कह रही हूँ मैं। उत्तराखंड की बात हो तो ये प्रश्न में उठाऊँ, उत्तराखंड में आज हर दूसरे दिन एक कविता संग्रह, एक नाटक संग्रह, एक उपन्यास और एक पत्रिका का विमोचन हो रहा है। सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो गढ़वाली और कुमाऊनी देवनागरी में लिखी जा रही है। धन्यवाद, बहुत सुंदर।